पाकिस्तान सोशल सेक्टर के सबसे बड़े इदारे औरंगी पायलट प्रोजेक्ट ऑफिस में दो रोजा CDN ट्रेनिंग और तरक्याती फोरम का इनेकाद। हर साल बाकायदा तौर पर होने वाला ये प्रोग्राम बदकिस्मती से कोरोना के बाईस दो साल से मुनाकिद नहीं हो पाया था। खुशाइन पहलू ये है कि इदारा OPP के चेयरपर्सन अकीला इस्माइल ने जिस हिम्मत व बहादुरी से मैडम परवीन रहमान का मुसलसल 9 साल की जद्दोजहद से केस को जीता और इदारा OPP को मुख्तलिफ बहरानों से निकाला, ये शानदार प्रोग्राम इसकी रोशन दलील है, जिसमें पूरे पाकिस्तान, सिंध, पंजाब, KPK, गिलगित बलूचिस्तान की मुकामी तंजीमों के अलावा शहर कराची के समाजी लोग, स्कूल असातिज़ा के अलावा नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट जो है वो अख्तर हमीद खान इसके बानी थे, जो कि एक ऐसी सोच रखते थे कि लोगों को अपने काम खुद करने चाहिए, बजाय इसके कि वो गवर्नमेंट के कामों का इंतज़ार करें, गवर्नमेंट के तरक्याती कामों का इंतज़ार करें। अख्तर हमीद खान ने एक सोच दी, उस सोच को लेकर आगे बढ़ने में परवीन रहमान और अख्तर अनवर राशिद का बहुत बड़ा रोल है कि जिन्होंने इस अख्तर हमीद खान के मिशन को आगे बढ़ाया। ये जो फिलॉसफी जिसके तहत डॉक्टर अख्तर हमीद खान ने इसको फाउंडेशन रखी थी, इसकी जो बुनियाद रखी थी, वो बहुत सिंपल था कि जो गरीब तबके हैं वो ऐसे नहीं कि बैठे हुए हैं, वो हर आदमी अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काविशें करते हैं। अब जो लोग हैं, जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनका काम है कि इनके काम को पहले समझें और उनके एस्पिरेशंस क्या हैं उसको देखें, फिर अपने स्किल्स के मुताबिक उसको बेहतर करने की कोशिश करें। इस फलासफी में है कि जो अर्बन एरियाज़ में लोग रहते हैं, उनके बड़ा मसला जो होता है वो सैनिटेशन का, ड्रेनेज का, वाटर सप्लाई का और छोटे छोटे कारोबारों का है। तो यहाँ पे जो औरंगी टाउन में इसको बेसिकली इस आइडियोलॉजी को अप्लाई किया गया और उसी की बुनियाद पे ये पूरा निज़ाम जो है वो पाकिस्तान में लेसन लर्न के तौर पे पेश किया गया। और उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि वो मेहनत करने वाले को बहुत पसंद करते थे और ईमानदार लोगों को शराते थे। कि ये सारा क्रेडिट जाता है डॉक्टर अख्तर हमीद खान साहब की फ़िलासफ़ी को, जिनकी तरबियत की वजह से अनवर राशिद साहब में ये सलाहियतें थी कि वो दूसरे लोगों को उनमें छुपी हुई सलाहियतों को बाहर लेके आते थे। राशिद साहब लोग ने ये जितने आज माइक्रो क्रेडिट की ऑर्गेनाइजेशन नज़र आ रही है और ये जो मार्केट नज़र आ रहा है, ये राशिद साहब लोग ने डेवलप किया, लोगों को शऊर दिया एडवोकेसी के ज़रिए, दूसरी चीज़ों के ज़रिए, कि आप ख़ुद भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको पाकिस्तान में नज़र आ रही है, ये सब OPP की पैदावार है। CDN और तरक्याती फोरम का कामयाब इनेकाद, पूरे पाकिस्तान से लोगों की भरपूर शिरकत, इदारा OPP की मैनेजमेंट को सराहना, इस बात का वाजे सबूत है कि अख्तर उमेर खान का मिशन जारी व सारी है। शिरका ने डॉक्टर अख्तर उमेर खान, मैडम परवीन रहमान, अनवर राशिद और तबस्सुम अहमद सिद्दीकी के फलसफे को हमेशा जिंदा रखने का अज़म जाहिर किया।